नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी टीम की ओर से, जहां पर दोस्तों आरसीबी टीम ने अपने स्क्वाड में 5 और खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है। तो दोस्तों, कौन से हैं वो खिलाड़ी, एक एक करके सभी के नाम मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ ही ये भी बताऊँगा कि आरसीबी टीम ने इन्हें अपने स्क्वाड में क्यों शामिल किया है, ये यूए में क्यों जाने वाले हैं। इसलिए अगर आप आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, यूएई जाने के लिए सभी टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज से जो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ट्रेनिंग कैंप का आयोजित भी किया है, जिसमें उनके तमाम खिलाड़ी हिस्सा भी लेने वाले हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबरें निकल कर नहीं आई है कि चेन्नई के अलावा कोई और भी टीम होगी जो ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत करेगी इंडिया में। सिर्फ चेन्नई ही एक ऐसी टीम है जो भारत में छोटा सा ट्रेनिंग कैंप चालू करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, सभी टीमें 23 अगस्त से पहले यूएई पहुंच जाएंगी, और ऐसा माना जा रहा है कि आरसीबी टीम भी 21 या फिर 22 अगस्त को यूए के लिए रवाना हो जाएगी। हम सभी को पता है कि 8 फ्रेंचाइज टीमें जो है अपने साथ नेट बॉलर्स को लेके जाएंगी, यानी कुछ अपने गेंदबाजों को लेगी भारत से, जो कि यूए में बल्लेबाजों को नेट प्रैक्टिस दे सके, नेट्स में गेंदबाजी कर सके। इसी कड़ी में दोस्तों, आरसीबी की टीम ने 5 नेट बॉलर्स और 2 थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, यानी आरसीबी टीम के स्क्वाड के साथ ही ये खिलाड़ी भी यूए जाएंगे और वहां पर नेट्स में बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आरसीबी की टीम ने इसका ऐलान भी कर दिया है कि 5 गेंदबाज उनके जो नेट्स में बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाएंगे वो कौन से होंगे। दोस्तों, बात करें पहले गेंदबाज की, तो पहले गेंदबाज होंगे प्रवीण दुबे। वहीं दोस्तों, दूसरे गेंदबाज जो होंगे वो होंगे चेतन सकारिया। इसके बाद तीसरे गेंदबाज होंगे अमन कुमार। चौथे होंगे आदित्य ठाकरे। इसके बाद दोस्तों, पांचवे गेंदबाज होंगे सुशांत कुमार मिश्रा। वहीं दोस्तों, बात करें थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट की, तो पहले होंगे गैब्रियल बेन कुरियन, दूसरे होंगे दिनेश पुटेपू। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इन पांचों नेट गेंदबाजों की खासियत क्या है। पहले गेंदबाज जो है प्रवीण दुबे, ये एक लेग स्पिनर है। 2016 से लेकर 2 सीजन तक आरसीबी टीम के साथ गुजार चुके हैं, और इन्हें पता है कि आरसीबी टीम का स्क्वाड कैसा होता है, वहां का माहौल कैसा रहता है। प्रवीण दुबे इस बार के ऑक्शन में अनसोल्ड हो गए थे, लेकिन उन्हें आरसीबी टीम ने नेट गेंदबाज के रूप में अपने स्क्वाड में रख लिया है। अब इसके बाद दोस्तों, दूसरे गेंदबाज जो है वो है चेतन सकारिया। चेतन सकारिया की बात करें तो ये 22 साल के हैं और सौराष्ट्र की टीम में खेलते हैं। मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, और शायद इसी वजह से आरसीबी की टीम ने इन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया है एज अ नेट बॉलर। अब इसके बाद दोस्तों, बात करें तीसरे गेंदबाज की, तो तीसरे गेंदबाज है विदर्भा के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आदित्य ठाकरे, जिनकी उम्र 21 साल है। ये बाएं हाथ से अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, स्विंग अच्छी कराते हैं, और इनिंग्स में आरसीबी टीम के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, बात करें चौथे खिलाड़ी की, तो चौथे खिलाड़ी होंगे अमन कुमार, जो कि हरियाणा से आते हैं। हालांकि इन्होंने अभी तक ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, फर्स्ट क्लास में केवल 1 मैचेस खेले हैं, जबकि लिस्ट ए में केवल 2 मैचेस खेले हैं। इसके बावजूद भी आरसीबी की टीम ने इन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया है एज अ नेट बॉलर। इसके बाद दोस्तों, आखिरी नाम है सुशांत मिश्रा का, जो कि अंडर 19 टीम के स्टार रहे थे इस बार। इन्होंने वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया था, ये रांची से आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आरसीबी टीम के नेट गेंदबाजों को लेकर, जिसका अनाउंसमेंट टीम ने कर दिया है, और ये सारे गेंदबाज आरसीबी टीम के स्क्वाड के साथ में यूएई जाने वाले हैं, वहां पर बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।